दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप सभी का न्यूज़ ज्ञान दर्शन 9 में स्वागत है। जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी की सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से नामांकन पत्र भरा गया। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान जगन्नाथ रॉय की पत्नी तापसी रॉय ने गुरुवार को ढाक बाजे के साथ रैली करते हुए धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। यह विधानसभा सीट एक महीना पहले भाजपा विधायक विष्णुपद रॉय की मृत्यु के कारण रिक्त हुई थी। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कई अन्य उपचुनावों के साथ 5 सितंबर को धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए भी उपचुनाव की घोषणा की। इस दौरान मौजूद रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने कहा, चलाबार प्रवणता थाके किन्तु धूपगुड़ी बा जलपाईगुड़ी जे ऐतिह्य आछे आमी बोलबो समस्त जरा पार्टी ए निर्वाचने पार्टिसिपेशन करते चलेछे सबाईके अनुरोध करब जे आपनारा अंतत जलपाईगुड़ी जे ट्रेडिशन जे कल्चर যে সংস্কৃতি সেটাকে আপনারা মেনটেন করুন এবং সাধারণ মানুষকে যাতে সুস্থভাবে সাধারণ মানুষ এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে সেই বিষয়ে আপনারা সবাই মিলে আপনারা নজর রাখুন এবং নিশ্চিতভাবে জয় পরাজয় হবেই তবে সাধারণ মানুষের রায় সেটা। নামাঙ্কন পত্র জমা করতে সময় ভাজপা কে মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গা, সাংসদ ডক্টর জয়ন্ত রায়, राजू बिस्ता, जिला भाजपा अध्यक्ष बापी गोस्वामी, विधायक शिखा चटर्जी आदि मौजूद रहे। दोस्तों मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर इसे ढेर सारा लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।